जो पॉइंटर्स में हमारे पास अगला टॉपिक है वो है एक्सेसिंग अ वेरिएबल थ्रू इट्स पॉइंटर. मतलब आप अभी तक आपने पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज तो कर दिया है और ये बता दिया है कि वो किस तरह की वेरिएबल का, किस वेरिएबल का पॉइंटर है. तो पॉइंटर जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पॉइंटर जो है वो किसी चीज़ को पॉइंट करता है, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करता है, किसी चीज़ की तरफ हमें डायरेक्शन देता है. इस तरह से उसका नेमिंग जो है किया गया है पॉइंटर के तरीके से. और पॉइंटर जो है वो किसी भी वेरिएबल का आपको एड्रेस का वैल्यू देता है. उसे डिक्लेयर करने के लिए आपको एक एस्ट्रिक्स जो है वो उसके आगे पुट करना पड़ता है और जिस तरह की वैल्यू का वो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है. और उसके बाद एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ये बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल का क्या नाम है जिसका वो पॉइंटर है और उसका एड्रेस उसे अलॉट करना पड़ता है. जैसे आपने देखा था पी इज इक्वल्स टू एम परसेंट क्वान्टिटी वाला जो स्टेटमेंट था. तो यहाँ पर जो है एक्सेसिंग वैल्यू वेरिएबल थ्रू इट्स पॉइंटर का एक एग्जाम्पल बना हुआ है. जैसे आप यहाँ पर कुछ करेक्शंस ये स्टेटमेंट्स हैं. सो आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उससे पहले आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका ये पॉइंटर है. हमेशा वेरिएबल आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर उसका पॉइंटर डिक्लेयर हो सकता है. तो वेरिएबल क्वांटिटी आपने डिक्लेयर की, पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये पॉइंटर है, ये सिंबल बता रहा है हमें कि ये पॉइंटर है. अदरवाइज़ नॉर्मल पी एक पॉइंटर नहीं हो सकता. नॉर्मल आप सिंपली पी लिखेंगे तो वो कोई वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, पॉइंटर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. यहाँ पर एक और कोई नॉर्मल वेरिएबल है जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, एन. अब यहाँ देखा गया है कि क्वांटिटी को कोई वैल्यू अलॉट की गई है, क्वांटिटी को इनिशियलाइज किया गया है. ये स्टेप यहाँ पर भी हो सकता था इस क्वांटिटी के आगे, वो आप लोगों को पता है. फिर ये अलॉट किया गया कि जो पॉइंटर है वो एड्रेस है क्वांटिटी का. और नेक्स्ट लाइन में जो है एन को वैल्यू दे दी गई. अब देखिए एन को अगर पी की वैल्यू मिलती, सिंपली पी की वैल्यू, तो वो एड्रेस की वैल्यू होती. एन को यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से वैल्यू दी गई है, पॉइंटर के साथ एस्ट्रिस्क यूज़ किया गया है. अब ये क्या करेगा वो देखते हैं. अगर सिंपल पी लिखते तो क्या होता और ये लिखा है तो क्या होगा. इसका मतलब है सिंपली दो और चीज़ें हैं. ये दो स्टेप्स जो लिखे गए हैं, जैसे इसमें आपने क्वांटिटी नाम के एक वेरिएबल का एड्रेस जो है, वैल्यू जो एड्रेस पे है, सॉरी जो वैल्यू ऑफ एड्रेस है वो आपने पी को अलॉट किया है, फिर आपने एन को एस्ट्रिस्क पी अलॉट किया है. अब ये क्या है वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी. ये दोनों कंबाइनली इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं कि एन इज़ डायरेक्टली यहाँ पर पी की वैल्यू को आपने सीधा रिप्लेस कर दिया है जो एम परसेंट क्वान्टिटी से, ये भी वही बात है. और आप सिंपली एन को क्वान्टिटी लिखें वो भी वही बात है. कैसे? जो ये यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है, ये जो सिंबल है, एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि पी की वैल्यू नहीं चाहिए, पी पे जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू पड़ी है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू सिचुएटेड है हमें वो वैल्यू चाहिए, उस एड्रेस पे जो वैल्यू लोकेटेड है हमें वो वैल्यू चाहिए. तो बेसिकली यहाँ इस पूरे स्टेप्स में हुआ क्या, क्वांटिटी को एक वैल्यू दी गई 179. उसके बाद उस 179 का जो भी लोकेशन का एड्रेस का जो वैल्यू था वो इस पी पॉइंटर को दे दिया गया. और फिर एन को वो वैल्यू जो उस एड्रेस पे पड़ी थी, अगेन उस एड्रेस पे वही वैल्यू पड़ी थी जो क्वांटिटी की वैल्यू थी 179. ठीक है, तो पी अलॉट हो गई. कुछ एक दो लेक्चर पहले आपने एक एग्जांपल देखा था जिसे यहाँ पर यही फॉर्म में था, वो कि क्वांटिटी की वैल्यू है 179, उसका एड्रेस है 5000, पी की वैल्यू इज़ 5000. और यहाँ पर मैं जो ये स्टार एन की बात कर, एन जो स्टार पी के बराबर है, सिंपली पी की वैल्यू तो 5000 है, लेकिन जो सिंबल आपने ये यूज़ किया है उसके बाद अगर पी लिखा है तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं उस वैल्यू की जो इस एड्रेस पे पड़ी है. मतलब 5000 पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू की, तो एड्रेस 5000 पे वैल्यू जो पड़ी है वो 179 है. तो सिंपली पी की वैल्यू यहाँ पर 5000 है, लेकिन स्टार पी की वैल्यू यहाँ पर 179 है. ये डिफरेंस है जब आप स्टार पी लिखते हैं या आप नॉर्मली पी लिखते हैं उसमें. तो यहाँ पर इस तरह से आप किसी
उस लोकेशन पे, उस एड्रेस के लोकेशन पे, उस पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है, वो वेरिएबल जो है उसे हम एक्सेस करने के लिए इस तरह से जो है डिनोट करते हैं अपने पॉइंटर को, इस तरह से लिखते हैं पॉइंटर को, इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो इस चीज़ को समझा रहा है कि अलग अलग तरीके से किस तरह से आप एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, किसी क्वांटिटी को प्रिंट करेंगे, उसके पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, स्टार पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो अलग अलग जो है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखा रखी है। एक चीज़ यहाँ नोट करने की बात है कि पहली बार आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पॉइंटर जो है वो प्रिंट किया जाता है। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर पॉइंटर प्रिंट किया गया है वहाँ वहाँ परसेंटेज यू आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया पॉइंटर जो है वो अनसाइंड इंटीजर होता है। तो पॉइंटर को जो है आप अनसाइंड इंटीजर के फॉर्मेट से कॉल करेंगे, और अनसाइंड इंटीजर का जो फॉर्मेट होता है वो परसेंटेज यू होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने एड्रेस को कॉल किया है, जहाँ पर भी एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट किया है, वहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज यू यूज़ किया गया है फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, दो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, फिर जो इंटीजर्स हैं, फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है जो पॉइंटर है, और इंटीजर कोई क्वांटिटी का पॉइंटर है। फिर एक्स को इनिशियलाइज़ किया गया है वैल्यू देकर 10, और फिर पॉइंटर को ये बताया गया है कि वो एक्स का एड्रेस है। फिर वाई को वैल्यू एट द एड्रेस, जो इस पॉइंटर पे पड़ी है वैल्यू, उसके बराबर कर दिया गया है। मतलब बेसिकली एक्स की जो 10 वैल्यू है, यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर मैं आपको शो करूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक्स है, ये इसका एड्रेस है, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर 10 है, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉन है, ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पर शोन है मेरे पास इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या है, x, y और पॉइंटर तीनों वेकेंट है, अभी तक आपने कुछ अलॉट नहीं किया। जिस स्टेप में आपने x इक्वल्स टू 10 लिखा, उस स्टेप में इसको 10 अलॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलते जाएंगे इस प्रोग्राम में, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है कि इंटीजर, सॉरी यहाँ तक हमने डिक्लेरेशन पढ़ लिया है। तो y जो है वो वैल्यू है जो एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर, मतलब ये जो पॉइंटर है, जो एड्रेस है बेसिकली ये x का, उस पे जो लोकेटेड वैल्यू है, वैल्यू एट द एड्रेस, उसे अप्रोच कर रहा है y, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रिंट है द वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज d, बेसिकली सिर्फ x की वैल्यू यहाँ प्रिंट कराई गई है। तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट में भी आपको द वैल्यू ऑफ x इज 10, तो 10 अभी x की वैल्यू 10 ही है, इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। फिर ये कह रहा है परसेंटेज d स्टोर एट एड्रेस परसेंटेज यू, जिसमें पहला x है और दूसरा एम परसेंट x है। एम परसेंट x क्या करेगा और x क्या करेगा, आप ये देखिए, परसेंटेज d की जगह x की वैल्यू आएगी जो कि 10 है, और एम परसेंट x की जगह वो वैल्यू आएगी जो कि एड्रेस की वैल्यू है। एड्रेस जो होते हैं वो अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं, इसलिए यहाँ परसेंटेज यू लिखा गया है। और आप देखेंगे 10 इज स्टोर्ड एट एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा उसका रैंडम, ये एड्रेस हमारे हाथ में नहीं है, जो भी वैकेंट सेल था मेमोरी का उसमें जाकर ये अलॉट हुआ और उसका एड्रेस आपको यहाँ पर मिल गया। एम्परसेंट एक्स जो है वो एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जिस एड्रेस पे 10 पड़ा है। फिर यहाँ पर क्या है, परसेंटेज, यहाँ पर एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा, ये परसेंटेज यू होना चाहिए, बिकॉज अगेन दिस इज अ पॉइंटर, परसेंटेज यू, परसेंटेज यू इज स्टोर्ड एट एड्रेस परसेंटेज यू, पॉइंटर है और एक एम्परसेंट पॉइंटर है, एक पॉइंटर है और एक पॉइंटर का भी एड्रेस है, तो दोनों ही परसेंटेज यू में फॉर्मेट में होंगे। और यहाँ पर जैसे आप देखिए 4104, ये स्टोर्ड है एक अपने खुद के एड्रेस पे, जैसे पहले भी हमने देखा है पॉइंटर का खुद का भी तो कुछ एड्रेस होगा, पॉइंटर को सेव किया गया है किसी वेरिएबल, पॉइंटर एक वेरिएबल के फॉर्म में लिया गया है यहाँ पर पी के नाम से, तो पॉइंटर भी खुद एक वेरिएबल बन गया है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल खुद का, इसका भी कोई एड्रेस होगा, ये खुद किसी का एड्रेस है और इसका भी कोई एड्रेस है, तो यहाँ पर वो दोनों, जो ये खुद किसी का एड्रेस है वो एड्रेस, और अगर इसका कोई एड्रेस है तो वो एड्रेस यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में परसेंटेज डी स्टोर्ड एट एड्रेस परसेंटेज यू, वाई और एम्परसेंट वाई, वाई और वाई की वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट कराने की को यहाँ पर स्टेप लिखा गया है। तो 10 इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, जैसा हम देख सकते हैं कि वैल्यू एट पॉइंटर, और एक पॉइंटर है क्या एड्रेस ऑफ एक्स, तो उस पर एक्स की ही तो वैल्यू पड़ी होगी, तो 10 इज़ द वैल्यू ऑफ वाई विच इज़ स्टोर्ड एट 4108। बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम के प्रोसीजर के दौरान यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ किसको अलॉट होती है ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर एक्स वाई और पॉइंटर तीनों की कोई वैल्यू नहीं थी. एक्स इक्वल्स टू 10 आपने जैसे ही किया, पर इनके एड्रेसेस देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से 4104, जो हमें बाद में पता चला जब वो स्क्रीन पे प्रिंट हुए होंगे तब पता लगेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी दिखाने के लिए बता रखा है कि एक्स जो है उसका एड्रेस 4104 है, वाई जो है उसका एड्रेस 4108 है और पॉइंटर का एड्रेस 4106 है. फिर एक्स की वैल्यू 10 हो जाती है, 10 का एड्रेस 4104 हो जाता है. ये दोनों अभी वेकेंट है क्योंकि इनको कोई वैल्यू नहीं दी गई है. फिर जब आपने पॉइंटर को एम्परसेंट एक्स डिक्लेयर किया, मतलब पॉइंटर को एड्रेस ऑफ एक्स डिक्लेयर किया, तो इस पॉइंटर को वैल्यू मिल गई वो जो इस 10 के एड्रेस की वैल्यू थी, मतलब इस एक्स के एड्रेस की वैल्यू थी 4104. तो आप देखेंगे पॉइंटर की वैल्यू जो है वो 4104 बन गई है. उसके बाद आप नेक्स्ट जब आपने स्टेटमेंट लिखा होगा प्रोग्राम में वाई इक्वल्स टू एस्ट्रिस्क पॉइंटर, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि वो वैल्यू जो इस एड्रेस पॉइंटर, इस पॉइंटर पे जो प्लेस्ड वैल्यू है, ये पॉइंटर एज एन एड्रेस जब वर्क कर रहा है तो इस पॉइंटर के एड्रेस, मतलब इस पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है, वैल्यू एट द एड्रेस, वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो वैल्यू इट्स पहले तो ये एड्रेस क्या है 4104 और इस पर वैल्यू क्या है 10, तो 4104 पे जो वैल्यू है वो 10 है और वही वाई को अलॉट होनी है, तो y की वैल्यू हो जाती है 10. अब देखिए 10 दो जगह पर है, यहाँ पर भी है जिस जो इस एड्रेस पे है और यहाँ पर भी है जो इस एड्रेस पे भी है. ठीक है, तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़ अलग अलग मिलती हैं आपको, जो जो चीज़ आप प्रिंट कराओगे उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू प्रिंट होगी. जब भी कोई चीज़ किसी का एड्रेस है, मतलब ये जो एड्रेस वाली चीज़ें हैं सारी, जहाँ जहाँ भी ये एड्रेसेस हैं, ये सब परसेंटेज यू से प्रिंट कराए जाएंगे क्योंकि ये अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव साइड में चलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं, और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं जो आप अपने हिसाब से इनिशलाइज करते हैं, स्कैन करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब कोई भी टाइप की हो सकती हैं.